नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिव 52 सिरप का उपयोग किन कंडीशंस में किया जाता है, लिव 52 सिरप को कैसे लेना चाहिए और लिव 52 सिरप की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लिवर कमजोर होने पर या लिवर डैमेज होने पर क्या लक्षण होते हैं। लिव 52 सिरप लिवर की बीमारियों को ठीक करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक बहुत ही जानी मानी दवा है। प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी लिव 52 सिरप लिवर को मजबूत बनाने के साथ साथ पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है। लिव 52 सिरप लिवर में मौजूद विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर की कार्य प्रणाली को अच्छा बनाती है। लिव 52 सिरप का उपयोग पीलिया होने पर, लिवर में सूजन होने पर, भूख बढ़ाने के लिए, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, प्रेग्नेंट महिलाओं में भूख को बढ़ाने के लिए, वायरल हेपेटाइटिस होने पर और लिवर की पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए, जैसे सिरोसिस आदि बीमारियों को ठीक करने के लिए लिव 52 सिरप का उपयोग किया जाता है। जो व्यक्ति रोजाना शराब का सेवन करते हैं या ज्यादा मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, उनके लिए लिव 52 सिरप बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि शराब पीने से हमारे शरीर के लिवर में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जो लिवर के लिए नुकसानदायक हो सकता है और जिसकी वजह से लिवर डैमेज भी हो सकता है। लिव 52 सिरप शराब की वजह से लिवर में जमा हुए विषैले पदार्थों को बाहर निकालती है और लिवर को डैमेज होने से रोकती है। लिव 52 सिरप लिवर को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाती है और भूख को भी बढ़ाने में मदद करती है। जिन व्यक्तियों को भूख कम लगती है और जिनका वजन कम है, उन व्यक्तियों में लिव 52 सिरप भूख को बढ़ाकर वजन को बढ़ाने में मदद कर सकती है। लंबे समय तक दर्द की दवाइयां लेने से, कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयां लेने से और टीबी के इलाज में उपयोग की जाने वाली दवाओं को लंबे समय तक लेने से लिवर कमजोर व डैमेज हो सकता है। इसलिए लिवर को डैमेज होने से रोकने के लिए ऐसे व्यक्तियों को भी डॉक्टर लिव 52 सिरप को लेने की सलाह दे सकता है। जिन व्यक्तियों को खाना पीना अच्छी तरह से हजम नहीं होता है, भूख कम लगती है या थोड़ा सा भोजन करने के बाद ही पेट भरा भरा हुआ महसूस होता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी लिव 52 सिरप का सेवन करना फायदेमंद होता है। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब हम डिस्कस करेंगे कि लिव 52 सिरप को कैसे लेना रेकमेंडेड होता है। लिव 52 सिरप को खाना खाने के 30 मिनट बाद लेना रेकमेंडेड होता है। लिव 52 सिरप को खाली पेट लेना रेकमेंडेड नहीं होता है, इसलिए लिव 52 सिरप को खाना खाने के बाद ही लेना चाहिए। आमतौर पर डॉक्टर लिव 52 सिरप को बच्चों को आधी से लेकर एक चम्मच दिन में दो बार और 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को एक से लेकर दो चम्मच दिन में दो बार लेने की सलाह देते हैं। लिव 52 सिरप की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है, इसलिए आपको लिव 52 सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना लिव 52 सिरप को नहीं लेना चाहिए। लिव 52 सिरप को लेना शुरू करने के बाद इसका असर दिखने में 2 से लेकर 4 सप्ताह तक का समय लग सकता है। लिव 52 सिरप से बेहतर परिणाम पाने के लिए इस दवा को कम से कम 2 से लेकर 3 महीने लगातार लेना होता है। अब हम जानेंगे कि लिवर कमजोर होने पर या लिवर डैमेज होने पर क्या लक्षण होते हैं। उल्टी होना, भूख कम लगना, शरीर में थकावट रहना, लगातार वजन का कम होना, पेट में दर्द होना, शरीर में खुजली होना, आंखों या त्वचा का पीला पड़ना और दस्त होना आदि लक्षण लिवर कमजोर होने पर या लिवर डैमेज होने पर हो सकते हैं। वैसे लिव 52 सिरप की वजह से अभी तक कोई साइड इफेक्ट्स नोटिस नहीं किए गए हैं। बस आपको आपके डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक से ज्यादा खुराक में लिव 52 सिरप को नहीं लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेग्नेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं लिव 52 सिरप को ले सकती हैं या नहीं। वैसे लिव 52 सिरप प्रेग्नेंट महिलाओं और गर्भ में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं
नहीं पहुंचाती है और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी लिफ 52 सिरप का सेवन करना सुरक्षित है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिफ 52 सिरप को लेने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के बिना प्रेग्नेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को लिफ 52 सिरप को नहीं लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका लिफ 52 सिरप से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।